रूस के राष्ट्रपति को लगा है 11,000 वोल्ट का करंट। जी हां, पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। जेपी एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं बता रहा हूं आपको क्षेत्रफल के आधार पे, एरिया के आधार पे विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया, जिसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के पास ये पावर नहीं है कि वो व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार कर पाए, लेकिन कहा जाता है ना, किसी स्वाभिमानी व्यक्ति को मारना ही मारना नहीं है, उसे थप्पड़ दिखाना भी बहुत बड़ी बात होती है। दरअसल इस घटना के पीछे वजह यह है कि पिछले वर्ष 24 फरवरी 2022 के दिन रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। यूक्रेन एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 45वां देश है, जबकि रूस एरिया के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है। जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया, आक्रमण किया, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह युद्ध 65 मिनट से अधिक समय तक चल सकता है, क्योंकि रूस के सामने यूक्रेन की कोई औकात नहीं थी। लेकिन पूरी दुनिया ये देख करके दंग रह गई कि ये जंग 365 दिन से भी अधिक समय तक चली और अभी भी जारी है। हालांकि यूक्रेन अभी भी रूस के सामने घुटना टेकने को तैयार नहीं है, यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख करके निशाना अमेरिका साध रहा है। हालांकि अमेरिका को हमेशा विश्व राजनीति में किसी शिखंडी की जरूरत होती है, जिसके आड़ में वो स्वयं को अर्जुन सिद्ध कर सके। दरअसल व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, जिसका मुख्यालय हेग में है, और यह संस्था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ही एक विंग है, एक हिस्सा है, जिसने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और पुतिन किसी विकसित राष्ट्र के ऐसे पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, जिनके खिलाफ आईसीसी के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी ने यह गिरफ्तारी वारंट इसलिए जारी किया क्योंकि यूक्रेन का ही हिस्सा है क्रीमिया, जहां पर रूसी सैनिकों के द्वारा महिलाओं और बच्चों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया। और अमानवीय व्यवहार ही नहीं किया गया, इनको अपहरण करके रूस भेजा जा रहा है, जहां पर इनके साथ हैवानियत की सारी हदों को पार किया जा रहा है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के चाइल्ड राइट कमिश्नर मारिया लावोवा बेलोवो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हालांकि रूस ने आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट को टॉयलेट पेपर घोषित किया है, लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है तो रूस के द्वारा ये किया गया कृत्य, ये कार्य बहुत ही गलत है, निंदनीय है, क्योंकि युद्ध के मैदान में सैनिकों के साथ जो आप कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि युद्ध और इस कहा जाता है
इन दोनों में सब कुछ जायज है, लेकिन निर्दोष नागरिकों के खिलाफ, खास करके महिलाओं और छोटे बच्चों के खिलाफ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, ये सरासर गलत है। और रूस के राष्ट्रपति को विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक होने के नाते इस तरह के घटनाक्रम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना चाहिए। बहरहाल रूस के खिलाफ इस समय पूरा यूरोप और अमेरिका खड़ा है। अगर रूस का कोई समर्थन कर रहा है इस समय रसिया का, तो एकमात्र देश है भारत। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये नरसंहार, ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और रूस यूक्रेन सहित पूरी दुनिया में शांति की स्थापना हो। ईश्वर सबको ऐसा सद्बुद्धि दें कि आने वाले समय में ऐसा फिर कभी कुछ न हो। ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।